الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, मगर नज़र वालों को उजड़ी हुई मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की लगी दिल लगी मालूम होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूकात पैदा फरमाई उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक अलग तौर पर पैदा फरमाया, तो ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक का शाहकार है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अकल का नूर अता फरमा कर उसको सारी दूसरी मखलूक से मुमताज़ कर दिया। तो आप देखेंगे कि हर इंसान मुख्तलिफ, उसके चेहरे मुख्तलिफ, सोच मुख्तलिफ। अगर एक फैमिली, एक ख़ानदान के अंदर कई लोग हो तो हर एक की राय, हर एक का ओपिनियन अपना मुख्तलिफ और डिफरेंट होता है। दुनिया के अंदर हर चीज़ के ऊपर जो है वो इख्तलाफ़ राय आपको नज़र आएगी, चाहे वो मुल्की सतह के ऊपर हो, चाहे वो ख़ानदानी सतह के ऊपर हो, ऑफिसों में हो, कहीं भी, हर एक की अपनी अपनी मुख्तलिफ राय होती है। लेकिन एक मसला जो है वो ऐसा अहम है कि जिसके ऊपर जो है सब का इत्तेफाक है, तो वो ये है कि हर इंसान जिसको देखे वो हर इंसान यही जो है वो कहता है कि भाई परेशान हाल है, सुकून नहीं है। जो वेस्टर्न मुल्कों के रहने वाले जो है, जिसको अंग्रेज कहते हैं, चाहे वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हो, लेकिन वो भी कहते हैं लाइफ इज डिफिकल्ट। तो हर इंसान जो है वो यही कहता है कि भाई हम परेशान हैं और लाइफ जो है बड़ी मुश्किल है। लेकिन हर इंसान जो है वो अपने अपने तौर पर इस मसले का हल ढूंढता है कि कोई क्या अपने तौर पर जो है वो कहता है, कोई क्या, लेकिन वो फिर भी वो मसाइल का हल जो है वो नजर नहीं आता। जिस तरह से है, जो बचपन में स्टोरी सुनी थी कि एक इंसान का जो है वो कोई सिक्का गुम हो गया, तो वो बाहर जो है स्ट्रीट में, मोहल्ले में ढूंढ रहा था कि बच्चों ने पूछा कि बड़े मियाँ क्या ढूंढ रहे हो, तो कहा कि मैं अपना जो है सिक्का गुम हो गया, पैसे वो ढूंढ रहा हूँ। तो किसी ने पूछा कि कहाँ गुम हुए, तो कहा कि घर पे। तो घर के अंदर गुम हुए तो आप यहाँ क्यों तलाश कर रहे हैं, तो कहा घर में लाइट नहीं है। तो घर में अंधेरा है, बाहर स्ट्रीट लाइट है, इसलिए बाहर ढूंढ रहा हूँ।
तो जो चीज जहां गुम हुई है वही मिलेगी। तो हमारा हाल हाँ भी ऐसा ही है कि जो चीज की तलाश है वो चीज वहां हम ढूंढ ही रहे, और इधर उधर जो है वो हाथ पैर मारते। आज दुनिया जो है वो कहती है कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, और इंसान जो है वो उसने लाइटों से कमकमों से बाहर की दुनिया को तो रोशन कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो अंधेरा है उसकी रोशनी उसको नजर नहीं आती। तो बड़े बड़े फल जो है वो मुफक्किर और बड़े बड़े लोग जो है वो उस मसले का हल ढूंढने के लिए, किसी ने कहा कि भाई जो है सारे लोगों को खाना अगर मिल जाए तो ये मसले का हल जो है हमें मिल जाएगा। तो जहां पर जो है वो लोग पेट भर के उनको खाना मिलता है, उसके बाद भी उनको भी बेसुकूनी, भूखे थे तब भी प्रॉब्लम, पेट भरा है तब भी और ज्यादा प्रॉब्लम। किसी ने कहा कि पूरी कौम को एजुकेशन जो है वो दे दिया जाए तो उससे जो है वो मसला हल हो जाएगा। तो जिन मुल्कों के अंदर जो है वो 99% जो है वो एजुकेशन रेट है और सारे पढ़े लिखे, उसके बावजूद जो है मसला वहीं का वहीं। कुछ लोगों ने सोचा कि भाई तंजीम बना ली जाए तो इस मसले का हल हो, तो फिर वो तंजीमें बनी, उन तंजीमों ने पाबंदी लगाना शुरू कर दी कि फला मुल्क में जा सकते हैं फला में नहीं जा सकते, यूएन बना दिया, यूनाइटेड नेशन। तो उसके बावजूद जो है वो मसले का हल नजर नहीं आता। जो दोरी जो होती है वो उसकी गूंच ऐसी लग गई है उसका सिरा जो है वो मिल ही नहीं रहा है। तो सारे अपने अपने तौर के ऊपर लगे, लेकिन वो तो जो गैर मुस्लिम है उसका तो खैर कुरान और हदीस पे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जो अपने आप को अहले इल्म कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहते हैं, उनकी भी अकलें मारी गई, उनकी भी कुरान और हदीस के ऊपर जो है जो नजर होनी चाहिए वो नजर नहीं है, क्योंकि दुनिया ने घेर रखा है। दुनिया के झमेलों में और दुनिया की कौमों की वजह से उन्होंने भी ये समझ लिया, स्टेजों के ऊपर प्रोग्राम होते हैं तो बड़े बड़े उलमा जो है वो यही कहते हैं कि भाई उम्मत इसलिए पीछे है, उनको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में डालो। क्या कर लिया एजुकेशन में? क्योंकि हम ईमान वाले, हमें जो है इधर उधर मसले का हल ढूंढना नहीं, कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम से हमें रहबरी मिलेगी कि इस मसले का हल क्या है। तो जब कुरान और हदीस की तरफ रुख करते हैं तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात ये बताती है कि इस मसले का और फसाद की जड़ खुद इंसान है। जहर अल फसाद व फिल बर्र वल बहर, कि जितने भी फसाद जो है खुश्की के ऊपर और जमीन के ऊपर और दरियाओं में पानियों में जितने भी फसाद है वो सारी फसाद की जड़ जो है हजरत इंसान। तो ये मसला जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि ये फसाद की जड़ जो है वो कौन है, और इंसान के अंदर भी जो फसाद की जो जड़ है वो अंदर जिस्म पूरी बॉडी बनी हुई है उसके अंदर एक टुकड़ा है। जिस तरह मछली जो होती है ना, मछली जब सड़ती है ना तो वो अपने मुंह की तरफ से सड़ती है और फिर पूरी मछली खराब होती है। तो इसी तरह से इंसान का बिगाड़ भी जो है उसके दिल की तरफ से चलता है, और जब दिल बिगड़ता है तो इंसान के अंदर फसाद जो है वो पैदा होता है।
तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आकर जो है बताया कि सारी फसाद की जड़ जो है इंसान का दिल है। इसी वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी तशरीफ लाए उन्होंने जो है वो इंसानों के दिलों के ऊपर मेहनत की और इंसान के दिलों को संवारने के ऊपर जो है उन्होंने अपनी एनर्जी अपना वक्त लगाया। लेकिन अफसोस ये है कि आज ऐसे फितने के दौर के अंदर जो अलग अलग तंजीमें अलग अलग लोग हरेक जो है वो अपने अपने तौर पर जो है मशवरा देते हैं कि भाई ये कर लेंगे तो उम्मत आगे बढ़ जाएगी, फला कर लेंगे तो उम्मत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो फितना और जो फसाद की जो जड़ है वो दिल के ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती कि इंसान का दिल जो है अगर सही हो जाए तो सारे, क्योंकि हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान की जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो इंसान के अंदर से निकलने वाले अमाल भी सही होंगे, और अगर वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म मेडिकल वाइज भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और रूहानी एतबार से भी वही इम्पोर्टेंट है, वो है दिल। तो दिल के बिगाड़ से जो है वो इंसान बिगड़ता है और दिल के संवारने से इंसान संवरता है। और यही मेहनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के ऊपर की। और सीरत की किताबों के अंदर जब मुताला करें, अफसोस ये है कि थोड़ा बहुत वक्त था पहले, वो भी अब वक्त तो ख़त्म हो गया मोबाइल के चक्कर में, कि कहीं पहले तो फुर्सत मिल जाती थी कि चलो काम से आए, कुछ किताब पकड़ कर बैठ गए, किसी उलमा की मजलिस में बैठ गए, कहीं बैठ गए, अब तो ये भी जो है ख़त्म, मोबाइल ने कर दिया। तो पूरा वक्त जो है उसी के अंदर लग गया। तो इंसान को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दुनिया के अंदर भेजा तो उसको ये टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा, और खुसूसन जो है वो मुसलमान का तो ईमान है कि मरने के बाद भी जिंदगी है। तो ईमान वाले को तो चाहिए कि वो अपने आखिरत की फिक्र भी करे। आखिरत की फिक्र तो बहुत दूर की बात है, अपनी औलाद की फिक्र नहीं कर रही है तो वो आखिरत की क्या करेगी, इल्ला माशाल्लाह। वो कम ऐसे होंगे कि जो अपनी औलाद की तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए कि अगर औलाद की तरबियत के ऊपर नज़र होती तो ये हादसे ही नहीं पैदा होते कि हिंदुस्तान भर से जो 8 लाख से ज़्यादा लड़कियां मुर्तद हो गई हिंदुओं के साथ शादी करते, ये मसला ही नहीं आता माँ बाप की अगर नज़र, बाज की नज़र होती तो। लेकिन सबको एक ही भूत जो है वो नारा दे दिया 14 के बाद, बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ। क्या भगाओ बोला, क्या कहा था जी, बचाओ। वो तो आप लोगों की नज़र में बचाओ है ना, उसने अंदर से तो मैसेज गलत दिया है ना, वो पब्लिकली मैसेज कुछ और होता है, ऑफिशियली मैसेज कुछ और होता है। अगर एक इंसान अपने आप को मुखिया कहता है और उसकी बात पे वजन ना हो, ये इम्पॉसिबल है कि उसकी पार्टी उसकी कौम उसकी बात ना माने, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। लेकिन उम्मत अभी भी सोई हुई है, अब फिर इंतखाबात इलेक्शन आ रहे हैं और उम्मत का कोई रहबर नहीं है। और ये याद रखना चाहिए कि जो चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें करना ही नहीं है। कौन सा किस चीज़ में कि लोग अभी भी जो है वो दुआएं करे, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना चाहिए हम किस खेत की मूली है कि हमारी दुआ कबूल होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं इस मामले में तो हमारी कहाँ से होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि उम्मत के अंदर जोड़ पैदा हो, दुआ कबूल नहीं हुई। तो इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है कि उम्मत को एक करने की फिक्र, एक करना नहीं, जो जिस लाइन में है जिस फील्ड में उसी पर मेहनत करें। लेकिन वो जोड़ने के चक्कर में, वो जोड़ तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि नबी की दुआ कबूल नहीं होगी।
तो जो जिस फील्ड के अंदर एक एक इंसान को देख ले आप, अगर मेरी बात तो बुरी लगे तो दो रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन मुझे कुर्सी का हक अदा करना है वरना कयामत के दिन मेरी पकड़ होगी। वो उन मौलवियों से मैं नहीं हूँ कि मुझे डर है कि मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मुझे ना बुलाए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कोई शो ऑफ करने के लिए वो ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जो एक एक लोग जो है बड़े बड़े अपने आप को, हम तो छोटे इंसान है, मेरे पास तो दो बंदे भी नहीं बैठते। जो अलमा बड़ी बड़ी जो है वो तादाद लेकर चलते हैं, उनके पीछे हजारों का मजमा होता है, उनको चाहिए कि वो अपने मजमे की पकड़ को मजबूत बनाए। तो उनकी बात तो उनके फॉलोअर्स मानते हैं, आज तो फॉलोअर्स का जमाना है, सोशल मीडिया के अंदर जो है वो इसके इतने थाउजेंड है, उसके इतने थाउजेंड है, और वीडियो भी बना बना के बयानों की क्लिप वायरल करते हैं। उन बयान की क्लिप वालों से मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मुझे कोई शौक नहीं है, ये गुनाह हराम है, ये वीडियो मीडियो पता नहीं कहाँ से उनको शौक पैदा हो गया। इसलिए हम तो कहते हैं कि हमारे पास 1400 साल वाला इस्लाम है, मॉडर्न चाहिए तो मॉडर्न लोगों के पास जाओ, हमारा इस्लाम पुराना है। आज उम्मत के अंदर जो गड़बड़ी पैदा हुई उसकी वजह यही है कि मॉडर्न के ऊपर आ गए ना, इस्लाम पुराना है 1400 साल। इसीलिए तो इमाम मालिक गालिबन के कहा कि पूछा कि ये उम्मत की जो है वो इस्लाह कैसे होगी, तो कहा जिस तरह से पहले इंसान की हुई थी बिगाड़, तो कहा कि जिस तरह से उलमा बिगड़ेंगे तो इंजन खराब होगा तो डब्बे भी खराब होंगे। इसलिए जो हर एक को अपनी कुर्सी की पड़ी है, तो ये बात को उम्मत कयामत के दिन उनको सबको जवाब देना है, जो जिसके पास जितने लोग हैं, क्योंकि हर एक को जो है उसका जवाब देना है। घर के बड़े को घर के बारे में सवाल होगा, उलमा को उम्मत के बारे में सवाल होगा कि क्या सिखा कर रहा है, क्या बता कर रहा है। जिल्लत इज्जत अल्लाह की तरफ से है, कोई इंसान किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर जो है बताया कि दिलों के ऊपर मेहनत करना। तो लोग सोचते हैं कि भाई उम्मत के इसलिए पीछे है कि इनके अंदर एजुकेशन आ जाए, तो जितनी पढ़ाई जितनी जो है हो रही उससे क्या होगा। अगर मैं तो ये एक कदम आगे बढ़कर ये बात करता हूँ कि पूरी कौम को जो है पूरे उम्मत मुस्लिमा को अगर पढ़ा लिया जाए, बल्कि जो है उनके घर को भी जो है सोने के बना दिया जाए, तो उसके बाद मसले के हल हो जाएंगे, मसले हल होंगे ही नहीं। क्योंकि जिस रब ने हमें दुनिया में भेजा है वो इसके लिए नहीं भेजा है कि तुम्हारी कामयाबी फलां के साथ जुड़ी है, तुम्हारी कामयाबी फलां चीज़ों से जुड़ी है, नहीं। कामयाबी का दारोमदार अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकया से पता चलता है, कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में। अगर जितना भी तुम आगे जो है बढ़ जाओ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर तुम कामयाब हो ही नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं कि भाई कल्चर है, रस्म रिवाज है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि उसको लोग जो है फर्ज आयन समझते हैं कि अगर जो है जिस तरह से नमाज फर्ज है, बल्कि जो है इस्लाम के जो फराइज है, नमाज है या शरीयत की कोई बातें, उस पर इतनी रोक टोक नहीं होगी कि भाई फलां चीज़ आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, शरीयत का ये हुक्म क्यों तोड़ा, उस पर कोई बहस नहीं। बहस होगी तो कहते देखो फलां के वहाँ शादी हुई उसने तो मेहंदी भी नहीं लगाई, फलां के शादी के दिन उसने खाना नहीं खिलाया, फलां ने ये नहीं किया। इस पर ऐसे जो है फतवे लगते हैं जैसे कि उसने वो इस्लाम का कोई बहुत बड़ा जो है वो रुकन छोड़ दिया, और इस्लाम हमारे शरे से और सुन्नतों के जनाजे निकलते जा रहे उसकी कोई फिक्र नहीं। और फिर आशी के रसूल हम कहते हैं अपने आप को, कैसे आशी के रसूल है, यही मुंह लेकर कयामत के दिन हम खड़े होंगे नबी के सामने, क्या जवाब देंगे। तो ये हमें समझना है कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर हम कामयाब नहीं हो सकते।
तो इसीलिए जो है वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत के अंदर कामयाबी है। इंसान जो है जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके वो कामयाब नहीं हो सकता, फिर भी बेसुकूनी उसको रहेगी। आज इंसान जो है वो अंदर से, जिसको भी हर एक जो है वो अंदर से, किसी को कोई सुकून नहीं है। बाहर से ऐसा लगता है कि भाई फला लोग खुश है, फला खानदान वाले, फला घर वाले खुश होंगे, लेकिन उनके अंदर अपने मसाइल है। यहाँ तो हिंदुस्तान में तो फिर भी आसान है कि हर एक के दरवाजे खुले रहते हैं, वहाँ इंग्लैंड में तो हर एक अपने अपने घर में कैद होता है, पड़ोस में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता कि भाई पड़ोसी की क्या हालत है। तो इंसान जो है अल्लाह और उसके रसूल को तरीकों को छोड़कर वो कामयाब नहीं हो सकता। और जो है ये फितने का दौर है, तो बहुत सी हदीस जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, कयामत के मुतालिक, कयामत से पहले आने वाले फितनों से जो है वो बाखबर किया। कि कयामत से पहले जो है वो कितने फितने आएंगे, तो हम लोग जो है वो अपने ईमान के ऊपर मुतमईन है, तो ये धोखा है। क्योंकि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि अगर मोमिन जो मोमिन है तो वो अपने ईमान के ऊपर जो है बेफिक्र नहीं हो सकता, और अगर कोई बेफिक्र है तो समझ लेना चाहिए कि मुनाफिक है। क्योंकि सहाबा तला को अपने निफाक का डर था, और ये क्यों डर था, क्योंकि उन्होंने ईमान की अजमत को समझा था। और हमने ईमान की अजमत को जो है बोला, हमने अपनी कीमत को नहीं पहचाना कि हमारे ईमान की जो है कीमत क्या है। क्योंकि बस वो पैदा हुए और जो है बड़े हुए और जिंदगी गुजार कर इंसान चला जाता है, लेकिन बैठ कर कभी हमने सोचा नहीं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान की जो दौलत दी है वो कितनी कीमती है। क्योंकि ये ईमान जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो मेहनतें हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे, जो है लोग कितने जो है ग्रुप दर ग्रुप जो है ईमान के अंदर दाखिल होते गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले जो है वो इसी तरह से ग्रुप दर ग्रुप जो है ईमान से खारिज हो जाएंगे। तो आदमी ये फिक्र में ना रहे कि मैं तो नमाजी हूँ। हजरत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह जो है वो फरमाते थे, उनको जो है इंटरव्यू किसी अखबार वाले ने लिया था उस दौर के अंदर, तो उनको पूछा कि हजरत उस दौर में तो ये मसले थे बाबरी मस्जिद वाला भी, तो पूछा कि हजरत बाबरी मस्जिद का मसला है, नौजवानों को पकड़ पकड़ कर डाल रहे हैं, फला मसला, ये मसला कौम का, ये मसला, तो आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो हजरत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह जो है उन्होंने फरमाया कि ये सारे मसाइल वक्ती है, वक्त के साथ साथ सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन मेरी जो है गुनहगार आंखें जो देख रही है और ये कौम सो रही है, अगर इनके अंदर ये बेदारी नहीं आई तो बहुत बड़ा फितना पैदा हो जाएगा। और वो बात ये बताई थी कि लोगों के अंदर, कौम के अंदर जो है फिक्री इर्तेदाद से जो है वो बेखबर है, यानी फिक्री इर्तेदाद उर्दू शायद नहीं समझेंगे। तो जो इंसान एक तो होता है ना कि मुर्तद हो जाता है, खुलम खुला इस्लाम छोड़ देता है, तो वो तो मुर्तद हो ही गया कि उसने ऐलान कर दिया। जैसे वो पिशाब पीकर भी जो है अपने आप को बड़ा खुश समझता है, 26 आयत निकलने चला था खुद ही निकल गया। तो इस तरह के जो है चीजें जो है वो लगेंगी, तो एक तो खुलम खुला जो है इस्लाम छोड़कर चला जाता है, लेकिन दूसरा ये है कि फिक्री इर्तेदाद ये है कि इंसान के अंदर जो है वो ऐसी सोच पैदा हो जाए कि देखो फला लोग जो है, फला कौम तो जो है
इसलिए कामयाब हो रही है कि उनको बाउंड्री नहीं है इस्लाम की। फलां एक तो ये है कि खुलम खुला इस्लाम का इनकार कर दे, वो तो मुर्तद है ही, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इंसान जो है बाद मरतबा होता है ना, कि सोसाइटी माशरा घर वालों की दड़ की वजह से भी चलता रहता है घर में चुपचाप, लेकिन उसके अंदर डाउट पैदा हुआ है इस्लाम के बारे में। या आजकल के सोशल मीडिया के जरिए से एक ही हमला हो रहा है हजरत आयशा के ऊपर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलो सब कुछ सही है लेकिन हजरत आयशा से शादी क्यों की, यही सारी दुनिया में शोर मच रहा है। तो लोग जो है ताजुब होता है, तो हम जो है उनको ये जवाब देते हैं कि हजरत आयशा के ऊपर जो है एतराज कर रहे हैं कि उनकी उम्र कम थी और निकाह क्यों किया, तो क्या तुमसे पहले जो है जो सबसे पहले दुश्मन जो है इस्लाम के और नबी के दुश्मन जो थे यहूदी, और उस दौर के अंदर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने में, यहां तक कि ऐसे ऐसे अलकाब और ऐसे टाइटल दिए, जादूगर तक कहा, और क्या क्या अलकाब दिए, कुरान ने खुद नकल किया है। तो क्या वो उनके अंदर अकल नहीं थी कि वो ये एतराज भी करते कि ये हजरत आयशा से शादी क्यों नहीं की, जो उस वक्त के बड़े से बड़े दुश्मन, आप उनकी जो है हिस्ट्री या तारीख पढ़ ले किताबों में, कहीं ये इल्ज़ाम नहीं मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने उस दौर में ये इल्ज़ाम लगाया हो। इसे पता चलता है कि उस दौर के अंदर जो है ये सिस्टम थी, और बालिग होने के बाद तो निकाह इस्लाम में जायज है। तो हजरत आयशा कोई नाबालिग थोड़ी थी, बालिग होने के बाद रुख्सती की। आप यहाँ इंडिया के अंदर भी देखें कि जो गर्मी वाले इलाके हैं राजस्थान और बहुत से इलाके ऐसे कि वहाँ लड़कियाँ जल्दी बालिग हो जाती है 9-10 साल की उम्र में। तो इस्लाम के जो है वो रूल्स के मुताबिक जो है उसका निकाह जायज़ है, तो ये इस्लाम के ऊपर जो है वो एतराज करते हैं कि ये तो राम को ने कब शादी की, उनको पूछे ना अपनी किताब खोल के देखे जरा, तो वो तो 6 साल की उम्र में शादी की थी। तो वो अपने मसले को जो है कवर अप कर रहे हैं और दूसरी तरफ उंगली उठाते हैं। तो ये चीजें जो है वो एतराज जो है पैदा करते हैं, और कमजोर ईमान वाला उनकी जाल में फंस जाता है और उसके अंदर शक पैदा कर लेता है। एक कितने सालों से यहाँ पर फितना चला था, ये उन बेस्तान की तरफ से सकीली फितना, उसने भी बड़ा सर उठाया। तो ये सारे फितने आते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से तस्बीह टूटती है ना, उसके दाने फिर कैसे एक के बाद एक गिरते हैं, इसी तरह से फितने एक के बाद एक खड़े होंगे, एक से अभी उभरेंगे नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाए। तो ये फिक्री इर्तदाद के अगर इंसान के अंदर ऐसा डाउट पैदा हो गया दीन के बारे में, इस्लाम की कोई चीज़ के बारे में, और वो चुपचाप चल रहा है बता नहीं रहा है, चाहे वो जो है उसके अंदर ये खतरा पैदा हो रहा है कि ये फलां चीज़, हाँ सही बात है, फलां लोग कह रहे हजरत आयशा के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह की सोच हमारे लोगों के अंदर भी आती है, तो ये सोच या इस तरह की कोई चीज़ किसी नमाज के मसले में या दाढ़ी के मसले में ऐसी पैदा कर ली, उसके बावजूद वो चाहे वो नमाजी हो चाहे वो तहज्जुद पढ़ता रहे, लेकिन उसका नाम मुर्तद की लिस्ट में चला गया होगा, तो ये फिक्र की बात है। फिर अपने आप को हम धोखा देते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो ये याद रखना चाहिए, ये मसाइल को समझना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि अगर आप तो कभी कभार वो बयानों में ज़्यादा मसले बयान करते हैं, तो मैंने कहा कि इमाम साहब का हक है वो नहीं कर रहे, तो मुझे करना पड़ रहा है, ये उम्मत को सिखाएगा कौन? जवाब में आते कहते हैं कि वहाँ ये मत बोलो, वहाँ ये मत करो, तो कहाँ सीखेंगे उम्मत? मसले मसाइल से नावाकिफ है, अगर इनको नहीं बताएंगे तो कैसे उनको पता चलेगा कि हमें बाउंड्री हमारी कौन सी है? बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी उसके बाद तो वो टू लेट। तो इसलिए हमें अपने अफसोस ये है कि उम्मत भी ऐसी गफलत में पड़ी है, उसको भी खुद के ईमान की नहीं पड़ी है, वो भी इमाम साहब मौलवी साहब के चक्कर में रहती है। तो हम कोई पंडित वाले थोड़ी है कि पंडित ही बताएगा जो हमारे मुहूर्त निकलेगी तभी शादी होगी, हमें इल्म नहीं है, हमें खुद को अल्लाह ने जो है फर्ज किया इल्म सीखना, अपनी जात से हमें तहकीक करनी चाहिए कि मुझे मेरे मौलवी साहब मेरे ईमान को बचाने के लिए मेरे पास क्या रास्ते, मुझे क्या करना, खुद जाके पूछो, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं किसी का? लेकिन वो कौन पूछेगा? जिसका ईमान मजबूत होगा। इब्ने मलकिया ताबे ये बहुत बड़े गुजरे,
वो फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबा से मुलाकात की, वो 30 सहाबा में से किसी को भी मैंने ऐसा नहीं पाया कि उनको अपने निफाक की फिक्र ना हो। ये सहाबत है। जंग के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने वाले, बशारत से दुनिया के अंदर सुनने वाले, उसके बावजूद उनको निफाक की फिक्र थी। और हम 1400 साल बाद आए और हम अपने आप को स्टील का ईमान वाले समझते हैं, हमारा मजबूत ईमान खत्म ही नहीं होगा। तो ये धोखा हमारा नफ्स और शैतान कब हमें जो हिला डाले कोई पता नहीं चलेगा। और दुनिया के अंदर जो ये पूरी दुनिया टूटी हुई है इस्लाम के मिटाने के लिए, उनका एक ही मकसद है कि जो है वो तुम रहो या ना रहो, ईमान से बस निकलना है तुम्हारे, उनको दूसरा कुछ नहीं है। और आज मुसलमान जो है वो ये तो बेचारे उनके तो दिमागों में जहरों में घेरों के तो डाल दिया गया, दड़ पैदा कर दिया गया कि आएंगे तो इनकी हुकूमत हो जाएगी, फला हो जाएगा, तुम्हारी बहू बेटियां इनकी इज्जत नहीं रहेगी। बहू बेटियां के इतना कहाँ सोचते हैं, वो तो बेचारे वो अपनी बहू बेटियों की फिक्र नहीं कर रहे, तो तुम्हारे पीछे कहाँ जाने वाला है वो? खुद की बेटियां की इज्जत महफूज नहीं कर सकता तो वो तुम्हारी बेटियों के पीछे कहाँ भागेगा? ये तो कौम तो सोई हुई है। अफसोस होता है हम इंग्लैंड में बैठ के वहां तस्करे कर रहे हैं और यहाँ आके देखता हूँ खाने की लाड़ियां, खाने की दुकानें, की बाजार गर्म है, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि उम्मत की हाल क्या हो रहे हैं। और पता नहीं क्या होता है घरों के अंदर भी, अब तो माशाल्लाह सबके पास पैसा हो गया, एसी भी है, पंखे भी है, उसके बावजूद पता नहीं क्या घबराहट होती है कि वो ब्रिज पे जाकर बैठते हैं सारे। रात को फ्री होते हैं तो बुढ़के वाले भी, इन्हें क्या बुढ़के, अपने आप को दीनदार कहते हैं, कौन सा दीन है? मैं तो ये कहता हूँ बड़े से बड़े शेखुल हदीस हो, मुफ्ती हो, दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम मेरे सामने आके बैठ जाए, एक हदीस लाके मुझे दिखाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जो है हजरत आयशा या 3-4 बीवियों जो को लेकर ब्रिज पे जाके बैठे, एक भी हदीस दिखाओ मुझे। मक्का तो गर्म था, मदीना गर्म था, कौन से जो है जाकर बैठे अपने बीवी को, कौन से जो है एक हदीस बस दिखाओ कि अबू बकर सिद्दीक तुम नमाज पढ़ाओ, आज मैं वेकेशन है, हॉलीडे पे जा रहा हूँ, जरा हिल साइड पे जा रहा हूँ, अब तो फार्म हाउस की बीमारी लग गई है, हजारों रुपया फार्म हाउस में डालते हैं। याद रखना चाहिए, पता नहीं तुम्हारे उलमा बताते या नहीं बताते, हलाल की जो है हिसाब देना है, ये नहीं समझना है कि हमारा पैसा है तो हम जो चाहे वो खर्च करें, हलाल का हिसाब देना है। और हराम की पकड़ होगी तो हम आजाद नहीं है कि हम फार्म हाउस में पैसा उड़ाए, सोचते हैं कि फार्म हाउस हलाल है, हलाल नहीं है वो, उसका हिसाब देना है। जायज तरीके कहते हैं कि भाई वो बाज लोग तो ऐसे वो पर्चे में लिखते हैं हलाल हॉलीडे, हमारे यहां भी इंग्लैंड में होते हैं ऐसे, भागते हैं हमसे तो क्योंकि ये हक बात है, खड़गिल लगे तो खड़गिल लगे, मुझे कयामत के दिन मुझे भी जवाब देना है कि उम्मत का जो वक्त जाये हो रहा है, अब वही फैमिली जो घर में यहाँ रहती है वो जो फैमिली वहां जाती है, कोई हुर तो आने वाले नहीं है फार्म हाउस में, क्या अलग से कोई लेके जाती है पता नहीं, वहां भी यही औरत को लेके जाते हैं ना, तो फिर ये औरत को यहाँ गालियां कम खाती है कि वहां भी खानी जाके फार्म हाउस में, सुकून से यहीं बैठो ना, पैसे भी बचेंगे। तो एक ने पूछा मुझे कि मौलवी साहब इनके जन्नत में अपने को क्या मिलेगा, मैंने कहा ये औरत सही रही तो मिलेगी, तो ले भाई कहते भी मुसीबत, यहाँ बोले यहाँ भी नहीं छोड़ती है, वहां भी ये नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैंने कहा कि भाई वो यहाँ का कचरा साफ हो जाएगा, इसीलिए जो है बात वक्त इजाजत नहीं देता, वरना जो है वो महीना भी निकल जाए, अगर मेरे साथ कोई बैठे एक महीना भूखा प्यासा महीना बयान करता रहूंगा, तो वक्त इजाजत नहीं देता, वरना जो है बहुत दर्द है निकालने के लिए, क्योंकि उम्मत की हाल या हालात मुझसे बुलवा रहे होंगे जो फिक्र करने वाले, बाकी तो घर जाके बयान करके सो जाते होंगे, मैं उनमें से नहीं हूं। आप भी घर जाके अपने खाने पीने के बाद काम पे लग जाएंगे, लेकिन मुझे अफसोस होता रहता है, नींदें खराब होती है हालात देखकर कि ये कौम को कैसे समझाऊं मैं। अगर आप कहें तो मैं एक महीना आपकी जो है मजदूरी करने के लिए तैयार हूं, अल्लाह के वास्ते ईमान को अपनी हिफाजत करो, ईमान को बचाओ,
जो आप कहेंगे मैं आपकी मुझे खिदमत के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ईमान को बचाओ। आप लोगों को अभी कदम है ईमान की, कयामत के दिन पता चलेगा हमेशा हमेशा की जहन्नम मिलेगी अगर ईमान गया तो। इसीलिए जो है जन्नत का सर्टिफिकेट वो ईमान है हमारा। ये बहुत से फितने अभी और आने वाले, इसलिए अपने अंदर जो है वो ईमान को मजबूत बनाओ। अपनी औलादों की फिक्र करें, उनको मोबाइल वगैरह दे दिया है लेकिन वो क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका ईमान का कोई पता नहीं। कभी बैठ के पूछा याकूब अलैहिस्सलाम, ये अगर इजाजत दो मौलवी साहब, कौन इमाम साहब, 2 मिनट और। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने मौत से पहले अपने औलादों को जमा किया, अम कुंतुम शुहदा इज हजर याकूब अल मौत, के मौत के वक्त याकूब अलैहिस्सलाम नबी, बेटा जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी, इतने सारे नबियों के खानदान। लेकिन जो ये फिक्र हुई औलाद को पूछा कि मेरे बाद जो माता अबदूना, क्या आयत है मौलवी साहब जी, माता अबदूना मिम्बादी, कि मेरे बाद जो तुम किसकी इबादत करोगे। तो औलादों ने जवाब दिया ना कि आपकी, आप जो इस रब की इबादत करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, हमारे आबा अजदाद जिसकी इबादत करते रहे उसी की इबादत हम करेंगे। तो हमने कभी अपनी औलाद को बिठाकर पूछा कि भाई तुम किसकी इबादत करोगे, वो सोचते हम तो मुसलमान हैं। लेकिन वो मुसलमान है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम के मुसलमान हो सकती है, अंदर ईमान भी है या नहीं है। तो तुमने कहा मस्जिद में जाओ, वो औलाद जा रही है नमाज पढ़ने, लेकिन उनका ईमान है या नहीं है। ईमान एक अलग चीज़ है, नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम आकर 5 वक्त नमाज पढ़ता रहे रोजाना, लेकिन ईमान उसके अंदर नहीं है तो उसकी नमाज बेकार है। तो ईमान और चीज़ है। तो ईमान को बनाने के लिए उनको बिठाओ, समझाओ कि ईमान क्या है। एक तो ये है कि हम तकलीदी, हमारा ईमान है तकलीदी ईमान, मतलब कि हम हमारे बाप दादा मुसलमान तो हम मुसलमान, हमारी औलाद भी मुसलमान, अब इनकी औलाद होगी वो भी मुसलमान, इसको तकलीदी ईमान कहते हैं कि बस आंख बंद करके चल रहे। लेकिन अल्लाह को ये ईमान वो पसंद है कि जो वो कुदरत को देखकर, अल्लाह की ताकत को देखकर अल्लाह को पहचाने, ये ईमान अल्लाह चाहते हैं। तो इसलिए तो मौके मौके के ऊपर दुआ बताई, बाथरूम में जाने की दुआ, निकलने की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने से पहले की दुआ, उठने की दुआ, ये सारी दुआओं का निचोड़ यही है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा जो है मेरी तरफ रुजू करे। लेकिन वो बच्चों को जो है पोपट की तरह जो है वो पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका वो हकीकत अंदर नहीं बिठाते कि उसकी अजमत, ये पढ़ रहे हो ये दुआ क्यों पढ़ रहे हो, मदरसे में मकतब में सिखा दी, वो रटते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है। इसलिए मकतब की जाल बिछाना बहुत ज़रूरी है, मकतब का निज़ाम जो है अब हिंदुस्तान में मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब तो दारुलूम में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मकतब के निज़ाम को अपने अपने इलाके में, अपने अपनी मस्जिदों में मजबूत करो, और उनको जो है ईमान भी सिखाओ। सिर्फ कुरान पढ़ाना नहीं है कि कुरान ख़त्म हो गया, वो कुरान को भी इसलिए पढ़ाते हैं कि बस एक ड्यूटी समझ के कि भाई कुरान हम मुसलमान हैं, उसके बाद वो कुरान जो पढ़ के जो रखा वो अब्राइक में, तो गया फिर ज़िंदगी भर खोलने की फुर्सत नहीं मिलती। तो ईमान भी सिखाए उनको, तालीम दे, दावत दे उनको अंदर, जो है तालीमुल इस्लाम और बहुत सी किताब है उसको समझाए, सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ना नहीं है, एक एक चीज़ को खोल कर समझाए। लेकिन अफसोस ये है कि वो मौलवी साहब तो तैयार भी हो लेकिन माँ बाप कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, ट्यूशन भी जाना है, वो स्कूल ज़रूरी है ये समझते, दीन की तालीम से वो तालीम ज़रूरी समझते। लेकिन याद रखना चाहिए तुम्हारा, तुम डिग्री भी लेके फारिग भी हो जाओगे, नौकरी देंगे तब तुम्हें नौकरी मिलेगी ना, डिग्री लेके क्या करोगे, चाटोगे उसको। तो इसलिए ये समझना है कि हमें, लेकिन वो एजुकेशन के चक्कर में लड़कियों के ईमान को भी बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से फोटो आते रहते हैं कि वो कॉलेजों के बाहर लड़कियां घेरों के साथ खड़ी है, बुढ़के वाली लड़कियां, लेकिन किसी को कोई पड़ी नहीं। और ये एक घेर की लड़की आगे पीछे होती है, 500 का मजमा जो है पुलिस स्टेशन जाके शोर मचाता है, और यहाँ हमारी जाती है तो कहते वो जिसकी गए वो जाने, हमें क्या, मैसेज पढ़ के बैठ जाते हैं, ग्रुप में आता है कि भाई फला लड़की गायब है, तो क्या, अच्छा चलो बस
वायरल कर वायरल करते रहते बैठे बैठे घर में, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि जाके खड़े रहे कि भाई क्या हुआ। ये तो कौम की हालत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा वक्त लिया आपका, अल्लाह ताला जो है वो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हालात की वजह से जो है ये बातें, कल कयामत के दिन इंशाल्लाह ये वीडियो हमारा आएगा तो वहाँ देख लेना कि ये बात कैसी कितनी सही थी, कि ये ना हो कि कोई कुछ कहने वाला ना आया तो ये अल्लाह के यहाँ ये हुज्जत कायम हो गई कि बताने वाले ने तो अपना जो है हक अदा कर दिया, बाकी अमल करना ना करना वो आपके ऊपर है। अल्लाह ताला अमल की तो